बेस चेंजिंग थ्योरम। नेक्स्ट आर्टिकल लिखे बेस चेंजिंग थ्योरम। बेटा बेस को चेंज कैसे करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए लॉग ए बेस बी है, लॉग ए बेस बी है, तो बेटा इसको हम एनी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग ए बेस के अपॉन लॉग बी बेस के। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉग की, इसको नोट करें, मतलब हम इसको एनी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर बेस क्या है बेटा, बी, और मान लीजिए आपको के की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको के में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में और ये चला जाएगा डिनोमीटर में और एक नया बेस क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये है बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम मतलब आप एनी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको नोट करें, ध्यान दीजिए सभी, प्रूफ करते हैं इसको। हम एलएचएस पार्ट लेके चलते हैं, एलएचएस पार्ट में लॉग ए बेस बी है, बेटा इसको हम अल्फा कंसीडर कर लेते हैं। ओके, इस पूरे को अल्फा कंसीडर कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिए, लॉग को रिमूव करूंगा। जब हम लॉग हटाते हैं तो मैंने सिखाया था कि आरएचएस वाला नंबर जो है वो बेस की पावर पे जाएगा बाय डेफिनेशन। बेटा जब हम लॉग हटाते हैं तो आरएचएस वाला नंबर बेस की पावर पे, तो ए बराबर क्या आ गया, बी की पावर अल्फा बाय डेफिनेशन। अब मैं ये उठा के आरएचएस के न्यूमरेटर में पुट करता हूं। बेटा आरएचएस का न्यूमरेटर क्या है, आरएचएस का न्यूमरेटर है लॉग लॉग ए बेस बी, आरएचएस में पुट लेता हूं लॉग ए बेस के अपॉन लॉग बी बेस के। अब ए के प्लेस पर मैं रखता हूं, ए के प्लेस पर बी की पावर, बी की पावर अल्फा और बेस के है। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब नंबर के ऊपर पावर होता है तो आगे आके मल्टीप्लाई, तो इसके बाद वाला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, अल्फा डॉट लॉग बी बेस के अपॉन लॉग बी बेस के, लॉग बी बेस के कैंसिल, देन आरएचएस विल बी अल्फा। ओके, एलएचएस भी अल्फा है और आरएचएस भी अल्फा है, मतलब ये प्रूफ हो गया। ओके, ये है बेस चेंजिंग थ्योरम, इसको नोट करें डेरिवेशन को। हम एक क्वेश्चन करते हैं बेस चेंजिंग फार्मूले पर, जैसे लॉग ए बेस बी डॉट लॉग सी बेस ए डॉट लॉग डी बेस सी। बेटा इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें बेस चेंजिंग फॉर्म लगाते हैं, इसको हम एनी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम लिखेंगे लॉग ए अपॉन लॉग बी, बेस चेंजिंग फार्मूला। बेटा बेस चेंजिंग फार्मूला क्या है, मैंने अभी अभी बताया, जैसे लॉग ए बेस बी है तो इसको हम एनी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग बी। ओके, अच्छा ये चला गया न्यूमरेटर में और ये चला गया डिनोमीटर में और एक नया बेस क्रिएट हो जाएगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। सपोज आपकी रिक्वायरमेंट है के, तो आप के लगा सकते हैं, यहां पर मैंने कोई भी बेस नहीं लगाया, हम एनी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये चला गया न्यूमरेटर में और ये चला गया डिनोमीटर में। सिमिलरली लॉग सी अपॉन लॉग ए, ओके, इसी तरीके से इसको हम रिड्यूस करते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम, लॉग डी अपॉन लॉग सी। अब आप देखिए लॉग ए कैंसिल हो गया, लॉग सी कैंसिल हो गया, बचा क्या, लॉग डी अपॉन लॉग बी। ओके, अब इसमें फिर हम बेस चेंजिंग फॉर्म लगाते हैं, बेस चेंजिंग थ्योरम, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग लॉग डी बेस बी। बोलो ये वाला स्टेप क्लियर है बेटा, लॉग डी बेस बी। देखिए यदि हम इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगाते हैं, बेस चेंजिंग थ्योरम क्या करता है, इस नंबर को न्यूमरेटर में पटक देता है और इस बेस को डिनोमीटर में पटक देता है और एक नया बेस क्रिएट हो जाता है। यहां कोई भी बेस है, पता नहीं क्या है, एनी बेस में हमने कन्वर्ट कर दिया और फिर हमने उसको बाद में उसी की ओरिजिनल पोजिशन पर लेके आ गए। तो इसका बेटा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या निकला, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकला लॉग डी बेस बी। ओके, ये तो देखिए इसमें मैंने लगाया बेस चेंजिंग थ्योरम, बेटा ये चला गया न्यूमरेटर में और ये चला गया डिनोमीटर में और एक नया बेस है। अभी मैंने बेस यहां पर कोई भी नहीं लगाया,
यदि मैं लगा भी देता हूं, चलो ठीक है, यहां पर मैंने के अप्लाई कर दिया के, तब भी ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहां के लग जाएगा और फिर वापस से बेस चेंजिंग थ्योरम से फिर बेस चेंज कर दिया मैंने। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूं बेटा? ये वाला स्टेप एकदम क्लियर है। मैंने यहां लगाया लॉग ए अपॉन लॉग बी, लॉग सी अपॉन लॉग ए, लॉग डी अपॉन लॉग सी, और फिर ये डायगोनली कैंसिल, वन अपॉन लॉग टू बेस थ्री प्लस टू अपॉन लॉग फोर बेस नाइन माइनस थ्री अपॉन लॉग एट, लॉग एट बेस 27। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करते हैं बेटा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, फिर से मैं एक बार बेस चेंजिंग थ्योरम बताता हूं। लॉग ए बेस बी, बेटा ऐसी यदि इसमें आप बेस चेंजिंग थ्योरम लगाते हैं तो आप क्या लिखेंगे इसको, किस तरीके से अरेंज करेंगे? लॉग ए अपॉन लॉग बी, ओके, और एनी बेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एनी बेस। अब आप मुझे बताइए, यदि मैं आपसे बोलूं कि लॉग ए बेस बी, बेस बी है और यदि आपकी रिक्वायरमेंट है बेस ए की, आप इसको कैसे लिखेंगे बेटा? लॉग ए अपॉन लॉग बी, पहले तो आप ए को ले जाएंगे न्यूमेटर में और बी को ले जाएंगे डिनोमीटर में, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, सपोज आपकी रिक्वायरमेंट है ए की, तो आपने ए बेस लगा दिया, ओके। आप बताइए लॉग ए बेस ए, लॉग ए बेस ए क्या होगा? वन, और लॉग बी बेस ए एज इट इज। अब आप ध्यान से देखिए, एक नई प्रॉपर्टी आ गई कि लॉग ए बेस बी को हमने क्या लिखा, देखिए लॉग ए बेस बी को हम लिख सकते हैं वन अपॉन लॉग बी बेस ए। आप देखिए यहां ए नंबर है और बी बेस है, यहां बी नंबर है और ए बेस है। तो बेटा जब भी हम लॉग को, जब भी हम लॉग को ऊपर से नीचे करते हैं, न्यूमेटर से डिनोमेटर में ले आते हैं, डिनोमेटर से न्यूमेटर में ले आते हैं, तो नंबर बेस पर पहुंच जाएगा और बेस नंबर पर। यह वाली प्रॉपर्टी क्लियर है बाय बेस चेंजिंग थ्योरम। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक एक टर्म को रिड्यूस करेंगे। अब देखिए इसमें ये वाली थ्योरम अप्लाई करते हैं, ये वाली थ्योरम यहां पर अप्लाई करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं इस लॉग को ऊपर ले जाता हूं तो जब लॉग ऊपर जाएगा तो थ्री बेस टू हो जाएगा, ओके। ध्यान दीजिए ये वाली टर्म क्लियर है बेटा, ये वाली स्टेप, जब हम लॉग को ऊपर ले गए तो नंबर बेस पर पहुंच जाएगा, बेस नंबर पर। इसी तरीके से प्लस इस लॉग को भी ऊपर ले जाते हैं, टू ऑलरेडी ऊपर है, अब इस लॉग को ऊपर ले गए तो क्या होगा बेटा? लॉग नाइन, लॉग नाइन बेस फोर, ओके, माइनस थ्री लॉग ट्वेंटी सेवन, लॉग ट्वेंटी सेवन बेस एट। देखिए मैंने हर एक लॉग को डिनोमीटर में था उसको न्यूमीटर में ले गए। अब बताइए लॉग थ्री बेस टू एज इट इज, नो चेंज। अब देखिए टू लॉग, बेटा मैं नाइन को क्या ले सकता हूं? थ्री की पावर टू, और फोर को मैं ले सकता हूं टू की पावर टू। इसी तरीके से देखिए माइनस थ्री, ट्वेंटी सेवन को मैं क्या अरेंज कर सकता हूं? थ्री की पावर थ्री, और एट को मैं ले सकता हूं टू की पावर थ्री। और बेटा मैंने सिखाया कि यदि नंबर के ऊपर पावर है, यदि नंबर के ऊपर पावर है तो आगे आके मल्टीप्लाई, और बेस पर यदि पावर है तो आगे आके डिवाइड। नंबर पर पावर है तो आगे आके मल्टीप्लाई, बेस पर पावर है तो आगे आके डिवाइड। तो यदि हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखें तो लॉग थ्री बेस टू प्लस ये टू, अब बताइए ये टू आगे आया टू, और ये वाला टू भी आगे आके डिवाइड, बचेगा क्या बेटा? लॉग थ्री बेस टू। अब इसी तरीके से इसको देखें, थर्ड स्टेप थ्री ऑलरेडी है, ये थ्री आगे आके मल्टीप्लाई, और ये थ्री आगे आके डिवाइड, ये हो जाएगा लॉग थ्री बेस टू। अब टू से टू कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल। अब आप बताइए टू लॉग थ्री बेस टू और वन लॉग थ्री बेस टू, इन दोनों का सम क्या आएगा बेटा? थ्री लॉग थ्री बेस टू माइनस थ्री लॉग थ्री बेस टू, थ्री लॉग थ्री बेस टू, थ्री लॉग थ्री बेस टू कैंसिल हो गया। फाइनली आंसर क्या आ गया बेटा? जीरो। नोट करें लॉग ट्वेल्व बेस थ्री, लॉग ट्वेल्व बेस थ्री अपॉन लॉग थर्टी सिक्स बेस टू
माइनस लॉग थ्री, लॉग थ्री बेस थ्री अपॉन लॉग 108 बेस 3। बेटा इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करो, देखिए यहां पर एग्जैक्टली 4 है, लॉग 4 बेस 3 और यहां पर लॉग 108 बेस 3, यहां पर लॉग 36 बेस 2। अब आप इसको रिड्यूस करके बताएं, एक एक टर्म को रिड्यूस करें बेटा, पहले तो इसको रिड्यूस करें, फिर इसको रिड्यूस करें, सबसे पहले तो लॉग 12 बेस 3 एज इट इज नो चेंज इनटू, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये लॉग ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहां एक काम कीजिए आप, यहां 2 लीजिए, एक सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहां 3 लॉग 3 बेस 36 और यहां पर लॉग 108 और बेस लॉग 3 बेस 108। बेटा ये क्वेश्चन है, अब देखिए इसको हम रिड्यूस करते हैं, क्वेश्चन को हमको रिड्यूस करना है, एक एक पॉइंट को रिड्यूस करते हैं, लॉग 12, लॉग 12 बेस 3 डॉट, बेटा ये जब लॉग ऊपर जाएगा तो क्या होगा, लॉग लॉग 36 बेस 3। ओके देखिए टारगेट क्या है कि बेस सेम होना चाहिए, तो यहां पर बेस 3 है और यहां पर बेस 36 है और यहां पर नंबर 3 है, तो यदि इस लॉग को ऊपर ले जाएंगे तो देखिए आप लॉग 36 बेस 3 दोनों में बेस सेम हो गया, माइनस लॉग 4 बेस 3 डॉट लॉग 108 बेस 3। अब ध्यान से देखिए आप, पूरे एक्सप्रेशन में बेस सेम हो गया, यहां भी बेस 3 है, यहां भी बेस 3 है, यहां भी बेस 3 है, हर जगह बेस 3 है। ओके अब हम एक एक को रिड्यूस करेंगे, पहले इसको रिड्यूस करते हैं, चलो इसको लिखेंगे बेटा लॉग 12 को हम लिखेंगे 3.4। ओके बेस 3, 12 के फैक्टर क्या होंगे बेटा 3.4, एक एक टर्म को हम रिड्यूस करेंगे, बेटा ध्यान दें सभी, लॉग 3 × 4, 3 × 4 कैसे हो गया बेटा, 12 को हमने 3 × 4 लिखा, अब देखिए 3 × 4 इंटू किस में कन्वर्ट होता है, मैंने आपको सिखाया प्लस में, बेटा इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, लॉग 3 प्लस लॉग 4 और बेस 3, ये सिंपलेस्ट फॉर्म किसका है, इस फैक्टर का, इस नंबर का, इस नंबर को हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अच्छा इंटू किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, प्लस में। अब देखिए सिमिलरली लॉग 36, बेटा 36 को क्या लिखेंगे, 3 3 4 और बेस 3, आप ध्यान से देखिए 36 को हम लिख सकते हैं 3 3 4, 9 4 36। ओके अब देखिए इसमें भी हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो ये सारे इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, प्लस में, तो लॉग 3 बेस 3 प्लस लॉग 3 बेस 3 प्लस लॉग 4 बेस 3। ओके एक एक टर्म को हम रिड्यूस कर रहे हैं, इस टर्म को हमने रिड्यूस किया इस तरीके से, इस टर्म को हमने रिड्यूस किया इस तरीके से, अब देखिए इसी तरीके से माइनस लॉग 4 बेस 3 एज इट इज, अब लॉग 108 को क्या लिखेंगे बेटा, 108 को 3 3 3 4, 108 को हम 3 3 3 4 लिख सकते हैं। ओके 108 को हमने 3 3 3 4 लिखा। ओके अब ये सारे इंटू किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, प्लस में, तो इसी तरीके से इसको अरेंज करें आप, लॉग 4 बेस 3, अब ये सारे इंटू जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, चलो हाँ भाई, लॉग 3 बेस 3, लॉग 3 बेस 3 1 प्लस लॉग 4 बेस 3 एज इट इज नो चेंज, बेटा लॉग 3 बेस 3 1 कैसे हुआ, क्लियर है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी नंबर और बेस सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी, अच्छा ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या होगा 1, तो फाइनली ये क्या आ गया 2 प्लस लॉग 4 बेस 3। ओके माइनस फिर सेकंड क्या है, लॉग 4 बेस 3 एज इट इज नो चेंज, अब ये वाले इनटू किस में कन्वर्ट होंगे बेटा, प्लस में, तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देखिए
ये 3 की पावर क्या हो जाएगा बेटा, 3 की पावर 3, और 3 आगे जाएगा log 3 बेस 3, 3 प्लस log 4 बेस 3, ओके ये क्लियर है बेटा, log 4 बेस 3 कहां से है? देखिए 3 3 3, ये तीनों इनटू में, ये तीनों प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय प्रॉपर्टी, और फिर log 4 बेस 3 बचेगा। अब देखिए, अब हम इसका पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, तो 2 प्लस log 4 बेस 3 प्लस 2 log 4 बेस 3 प्लस log 4 बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू log 4 बेस 3 माइनस log 4 बेस 3 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, मैंने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, और अरेंज करता हूं। चलो अब देखिए, ये क्या हो जाएगा बेटा, log 4 बेस 3 का होल स्क्वायर कैंसिल, log 4 बेस 3 का होल स्क्वायर कैंसिल, अच्छा 1 log 4 3 बेस 3 प्लस 2 log 4 बेस 3, ये कितना हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, फाइनली आंसर क्या आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, देखिए 1 upon 1 plus log a base b प्लस log c बेस b प्लस 1 upon 1 plus log b बेस a प्लस log c बेस a प्लस 1 upon 1 plus log c log a बेस c प्लस log b बेस c। बेटा इस क्वेश्चन को नोट करें पहले, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को रिड्यूस करना है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। ओके अब देखिए, मैं एक एक टर्म को रिड्यूस करता हूं, सबसे पहले मैं इस टर्म को रिड्यूस करूंगा, एक एक टर्म को हम रिड्यूस करेंगे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है और तीनों को ऐड करना है। ओके अब देखिए, 1 upon बेटा ध्यान दीजिए, यहां पर बेस क्या है बी और यहां पर बेस क्या है बी, क्या मैं इस वन को लॉग बी बेस बी अरेंज कर सकता हूं बेटा, लॉग बी बेस बी वन, लॉग बी बेस बी वन, तो क्या मैं इस वन को लॉग बी बेस बी लिख सकता हूं? अब देखिए सेकेंड क्या है बेटा, लॉग ए बेस बी प्लस, थर्ड क्या है लॉग सी बेस बी। अब आप देखिए ध्यान से, तीनों में बेस सेम हो गया क्या नहीं, तीनों में बेस सेम है और तीनों प्लस में, और मैंने सिखाया आपको कि प्लस किस में कन्वर्ट होता है बेटा, इनटू में, तो ए बी सी और बेस बी। ओके अब आप देखिए, ये लॉग कहां है डिनोमीटर में, इसको हम न्यूमीटर में ले जाएंगे तो क्या होगा बेटा, जब हम लॉग को डिनोमीटर से न्यूमीटर में ले जाते हैं तो नंबर बेस पर और बेस नंबर पे, तो लॉग बी बेस एबीसी, लॉग बी बेस एबीसी। ओके देखिए यहां ये क्या लिखा है, लॉग एबीसी बेस बी, अब ये लॉग ऊपर गया तो लॉग बी बेस एबीसी, बेटा फर्स्ट एक्सप्रेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म है लॉग बी बेस एबीसी। सिमिलरली प्लस, अब सेकेंड का करते हैं, चलो सेकेंड को क्या लिखेंगे, 1 upon इस वन को हम क्या ले सकते हैं बेटा, लॉग ए बेस ए। बेटा हम इस तरीके से अरेंज क्यों कर रहे हैं, ताकि आगे जाके वो पैक हो जाए। आप देखिए यहां पर बेस क्या है ए और यहां पर बेस क्या है ए, तो यहां भी मैं बेस ए बना रहा हूं, तो क्या मैं इस वन को लॉग ए बेस ए लिख सकता हूं? ओके अब देखिए, लॉग ए बेस ए प्लस लॉग बी बेस ए प्लस लॉग सी बेस ए। ओके अब देखिए तीनों प्लस में, तो तीनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, इनटू में, तो लॉग ए बी सी और बेस ए। अब आप बताइए ये लॉग डिनोमीटर में, इसको न्यूमीटर में ले जाएंगे तो क्या होगा, लॉग ए बेस ए बी सी। आप देखिए सिमिलरली थर्ड फैक्टर को भी हम इसी तरीके से रिड्यूस करेंगे, तो उसका आउटपुट क्या आएगा बेटा, आप सोचें यहां आउटपुट क्या आएगा, इसका आएगा आउटपुट लॉग ए लॉग सी बेस ए बी सी, ठीक है, लॉग बी बेस ए बी सी, लॉग ए बेस ए बी सी, लॉग सी बेस ए बी सी। अब आप ध्यान से देखिए, तीनों में बेस सेम हो गया कि नहीं, तीनों में बेस सेम है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, और तीनों में बीच में प्लस साइन है,
तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू में, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, प्रॉपर्टी से लॉग एबीसी बेस एबीसी, और लॉग एबीसी बेस एबीसी दैट इज वार आंसर। अभी मैंने इसके पहले क्या पढ़ाया आपको, बेस चेंजिंग थ्योरम, बेटा आप एनी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, लॉग ए बेस बी, इसको हम क्या ले सकते हैं बेटा, लॉग ए अपॉन लॉग बी, और एनी बेस में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा ए कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और बी चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और एक नया बेस क्रिएट हो जाएगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये है बेस चेंजिंग थ्योरम, इतना मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट थ्योरम देखें, ए की पावर लॉग सी बेस बी है, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, ए की पावर लॉग सी बेस बी, तो बेटा आप इसको ऐसा अरेंज कर सकते हैं, सी की पावर लॉग ए बेस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका मैं डेरिवेशन कराने जा रहा हूं, आप पहले इसको नोट करें अच्छे से। आपने इसमें क्या सीखा कि C A के प्लेस पर आ गया और A A C के प्लेस पर आ गया, और बेस में नो चेंज, इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर लें। देखिए A की पावर लॉग C बेस B, C की पावर लॉग A बेस B, तो आप ध्यान से देखिए, C को मैंने A के प्लेस पर लिख दिया और A को C के प्लेस पर, और बेस में नो चेंज, बेस में नो चेंज। ओके अब हम इस प्रॉपर्टी का डेरिवेशन करेंगे। अब आप देखिए बेटा, एलएचएस पार्ट लेके चलता हूं मैं, एलएचएस पार्ट क्या है, ए की पावर लॉग सी बेस। ओके अब देखिए इसमें मैं बेस चेंजिंग फॉर्म लगा रहा हूं, लॉग सी बेस बी में बेस चेंजिंग थ्योरम, बेटा मैं इसको अरेंज कर सकता हूं लॉग सी अपॉन लॉग बी। ओके मैंने बेस चेंज कर दिया, अभी यहां पर बेस क्या है बेटा, बी, और यहां पर मैंने एनी बेस लगा दिया। अब एनी बेस के हिसाब से देखिए, ऑलरेडी बेस क्या है बेटा, ए, एक काम करते हैं यहां पर ए बेस लगा देते हैं, मैंने यहां लगा दिया बेस चेंजिंग थ्योरम, ये वाला क्लियर है, बेस चेंजिंग थ्योरम। बेटा यहां पर बी बेस है और यहां पर ए बेस है, अब आप देखिए इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा बेटा, ध्यान से देखें, ए की पावर, बेटा मैंने ए बेस क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी बेस ए है, ऑलरेडी बेस ए है इसलिए मैं बेस ए ले रहा हूं। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे हम इसको, ए की पावर लॉग सी बेस ए डॉट, अब ध्यान से देखना, डॉट वन अपॉन लॉग बी बेस ए, क्या मैं इसको इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं, क्या इस एक्सप्रेशन को ऐसा अरेंज कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिए, लॉग सी बेस ए को आगे शिफ्ट कर दिया और वन अपॉन लॉग बी बेस ए को पीछे शिफ्ट कर दिया। ओके अब देखना बेटा, ए की पावर, अब ध्यान से देखो यहां बेस क्या है, ए, और मैंने अभी भी एक प्रॉपर्टी बताई कि जब भी यहां ए हो और यहां ए, दोनों में सेम बेस है देखो, तो हम इसको क्या ले सकते हैं बेटा, एक प्रॉपर्टी मैंने अभी अभी बताई आपको कि इसको हम अरेंज कर सकते हैं सी, देखिए दोनों में बेस सेम है, तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि ए की पावर लॉग बी बेस ए है, तो बेटा इसको हम क्या ले सकते हैं बी, जब भी दोनों बेस सेम हो तो सिर्फ क्या बचेगा बेटा बी, तो यहां दोनों बेस सेम है तो सिर्फ सी बचा, और ये क्या है पावर है, तो पावर क्या है बेटा वन अपॉन लॉग बी बेस ए। अब आप मुझे बताइए ये लॉग कहां है, डिनोमीटर में, तो इस लॉग को न्यूमीटर में ले जाएंगे तो क्या होगा, नंबर बेस पर और बेस नंबर पे, तो लॉग ए बेस बी, ये आगे आ रहा है, देखिए आप ये हमें प्रूफ करना था, ये आर एच एस साइड है। नेक्स्ट इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे 64 की पावर लॉग 5 बेस 2 है, मैं आपसे बोलूं चलो इसको रिड्यूस करो, बेटा ध्यान दीजिए ये एक नंबर है और इसको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो मैंने अभी अभी सिखाया इफ ए की पावर लॉग सी बेस बी, यदि ऐसा है तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं सी की पावर लॉग ए बेस बी, बेटा ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। ओके इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं और बेस में नो चेंज। ओके
अब ये प्रॉपर्टी हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। देखिए इस 5 को हम यहां लाएंगे और इस 64 को हम यहां लाएंगे, हम ऐसा कर सकते हैं। अभी अभी हमने प्रूफ किया, तो 5 की पावर क्या होगा, लॉग 64 बेस 2। ठीक है, अब बताइए आप मुझे 5 की पावर 64 को हम क्या ले सकते हैं बेटा, 2 की पावर 6 और बेस क्या है 2। अब आप मुझे बताइए क्या ये 6 आगे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा बेटा। ये मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि ये जो पावर है ये आगे आके मल्टीप्लाई। अब आप मुझे बताइए लॉग 2 बेस 2 क्या होगा, लॉग 2 बेस 2 1, 1 इंटू 6 6, तो आंसर आ गया बेटा 5 की पावर 6। ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए 2 की पावर, मान लीजिए ऐसे लिखा है 2 की पावर बेस। अब देखिए बेटा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, हम देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा। 2 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ लॉग 3 बेस 2 को मैं अरेंज कर रहा हूं, लॉग 3 बेस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ लॉग 3 बेस 2। बेटा क्या हम इस नंबर को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जरा सोचो। जैसे फॉर एग्जांपल 2 अपॉन रूट 2, बेटा 2 अपॉन रूट 2 क्या होता है बताओ, 2 अपॉन रूट 2 को हम रूट 2 लिखते हैं कि नहीं, बोलो यार, 2 अपॉन रूट 2 को हम रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसी तरीके से हम इस नंबर को ऐसा भी अरेंज कर सकते हैं, क्या ये क्लियर है? ओके okay. अब देखिए 2 की पावर, अब इस नंबर को मैं आगे खिसका रहा हूं, लॉग 3 बेस 2 डॉट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ लॉग 3 बेस 2। क्या मैं इस नंबर को इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं? आप ध्यान से देखें दोनों की मीनिंग सेम है। अब फिर से देखिए आप, अभी अभी बताया कि जब भी ये दोनों सेम हो, जब भी ये दोनों सेम हो तो सिर्फ क्या बचेगा बेटा 3, तो ये 3 नीचे गिर जाएगा, ये 3 नीचे गिर जाएगा और पावर पर क्या रह जाएगा बेटा 1 की पावर सॉरी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ लॉग 3 बेस 2। ओके अब आप बताइए मुझे ये लॉग कहां है, डिनोमीटर में। जब लॉग को डिनोमीटर से न्यूमीटर में ले आते हैं तो क्या होता है बेटा, नंबर बेस पर और बेस, नंबर बेस पर और बेस नंबर पे, तो लॉग 2 बेस 3। ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया।